गुड गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड आफ्टरनून राधा याशमिन श्वेता राखी दिव्या वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों. तो चलिए सभी का वेलकम है इस क्लास में और शुरुआत करते हैं आज की अपनी सो बेसिकली बच्चों कल हम क्लास नहीं ले पाए थे लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि लेट वी हैव दिस क्लास और शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को तो सभी बच्चे लाइव आ जाए और शुरुआत कर लेते हैं आज की अपनी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें बच्चों हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं तो जहां से हमें क्वेश्चंस करने हैं उसपे हम बेसिकली शुरुआत वहां से ले लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां पे था पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द फॉलोइंग लाइन है ना प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट इज वेरी वे तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे फिगर ऑफ स्पीच देखना है तो क्या बना था हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट में ये जो वेरी है ये जो वर्ड टायर्ड है बच्चों ये किसके लिए यूज हुआ है प्लोमन के लिए तो वे के साथ हमने यूज किया यही हमने यहां पे गलती की है बिल्कुल सही वेरी गुड एग्जैक्टली आसमिन गौरव बिल्कुल सही है अगले क्वेश्चन पे अब हमारा आज का ये क्वेश्चन सबसे पहला होगा लिखा है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग क्या क्वेश्चन सेंटेंस है हमारा लिटिल सोरो सिट्स एंड सिट एंड व्हीप तो बताइए लिटिल सोरो सिट एंड हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा जी राजेंद्र. जी, राजोचन बताइए ओके श्वेता ने ए कहा है याशविन पर्सोनिफिकेशन राधा दिव्या राजेंद्र बहुत अच्छे राखी सभी ने सही बताया है भाई सीधी सी बात है यहां पे हमारा पर्सोनिफिकेशन बनेगा क्यों बनेगा परिफिकेशन इसका सबसे बड़ा रीजन है लिटिल सोरो तो लिटिल सोरो सोरो क्या है हमारा ये बच्चों हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया कैसा नाउन बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि कैसा होगा नॉन लिविंग अब अगर ये नॉन लिविंग है हमने कहा सिट बैठता है एंड वीप रोता है रोता है और बैठता है ये कौन करेगा एक लिविंग तो हमने यहां पे नॉन लिविंग को लिविंग बना के पेश किया तो हंड्रेड परसेंट यहां पर मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन बनेगा तो वुड बी द वेरी गुड आंसर टू द आयिक पेंटामीटर इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग अगर हम आएम्बिक पेंटामीटर की बात करें तो बच्चों इनमें से किसको वो फॉलो कराता है अच्छा अच्छा ठीक है सोनिया ओके okay, जी ओके सोनिया दैट्स राइट नो प्रॉब्लम तो बताइए फाइव सिलेबल्स इन द पैटर्न, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फाइव सिलेबल इन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। पैटर्न स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस रिपीटेड फाइव टाइम्स या पैटर्न अनस्ट्रेस स्ट्रेस रिपीटेड फाइव टाइम्स ऑल राइट वेरी गुड बच्चों देखो ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है अगर हम इसको देखें मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसका ये जो लिखा है आयम्ब है ना आयम्ब जो है बच्चों वो क्या होता है जैसे इस वर्ड को देखो कंडक्ट कंसिडर है ना कंडक्ट में जब आप देखेंगे तो कन पे आप अनस्ट्रेस होते हैं और डक्ट पे स्ट्रेस देते हैं मतलब ऐसे बनता है कन सॉरी हम कैसे बनाएंगे कन डक्ट राइट <coughs> यानी जैसे वाटर हम बोलते हैं उसका एग्जैक्टली exactly अपोजिट है तो कन में आपने क्या लगाया यहां पे अनस्ट्रेस और डक्ट में स्ट्रेस्ड हो गया तो इसका मतलब क्या बना अनस्ट्रेस्ड और बच्चों स्ट्रेस्ड ये सिलेबल है इसमें ओ है इसमें बच्चों यू है है ना एक एक वोवेल होने से ही वो हमारा सिलेबल बनता है अब ऐसे ऐसे वर्ड तो ये एक आयम बन गए ये एक आयम है अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस का जोड़ अब अगर बच्चों में इन्हें एक लाइन में जोड़ूं, एक लाइन में बना दू जिसमें पांच ऐसे वर्ड हों लाइक कंडक्ट 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 मतलब दुनिया का कोई भी ऐसी लाइन जिसमें ये बच्चों पांच बार इस तरह से लिखा हुआ हो कैसे लिखा हुआ हो जिसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस को फॉलो किया गया हो तो वो आयंबिक पेंटामीटर पेंटामीटर का मीन्स है जिसमें पांच हमारे आयम्ब लगे हुए हो आयम्ब हो कितने पांच हो उससे एक मीटर एक लाइन बनी हो दैट वुड बी टेकन तो आंसर हमारा क्या बनेगा इट वुड बी यस yes, बच्चों क्या होना चाहिए बताइए आंसर हमारा इसका क्या होना चाहिए ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर दिया है अनस्ट्रेस स्ट्रेस यस yes, एवरीवन क्या ये बात हमने सही फॉलो की है या फिर नहीं फॉलो की है आंसर करें जरा तो इसमें आंसर हमारा बच्चों ए बन जाएगा देखो इस वाले में क्या है स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड तो जब स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का बनता है उसको हम कहते हैं ट्रॉकी क्या सब बच्चे इसको जानते हैं इसे हम ट्रॉकी कहेंगे ट्रॉकी में क्या होता है ट्रॉकी सिलेबल में स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस जैसे वोटर आप बोलते हैं है ना वो इसमें छोड़ देते हैं तो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ट्रॉकी बन गया लेकिन जब आप अनस्ट्रेस स्ट्रेस के पैटर्न को लेते हैं जिसमें five syllables होते हैं, it would be taken as pentameter. तो आंसर आंसर बच्चों बच्चों आपका ए बनेगा। पकड़ में आ रही है है बात? बाकी जैसे आप इसमें आंसर दे रहे हैं, उसमें खाली लिखा नहीं होंगे। तो इस पैटर्न को हम सिलेबल कहते हैं तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है <laughs> आंसर ए बनेगा तो क्या सब बच्चे पकड़ सकते हैं इस बात को टेन सिलेबल होना चाहिए अच्छा अच्छा आप ये कह रहे हैं हाँ फाइव है ये बात ठीक है एक सिलेबल दो सिलेबल तीन चार पांच छह बिल्कुल ठीक है ये टेन होना चाहिए ये उन्होंने गलत लिखा है फाइव सिलेबल्स नहीं होंगे टेन बनेंगे एग्जैक्टली exactly. होता क्या है दो सिलेबल मिलके मिलके एक वर्ड को बना रहे हैं यहां पे ये बात करेक्ट है ठीक है जी बैरागी एग्जैक्टली exactly. बाकी दो को हम छोड़ देंगे मतलब इनमें ओरों में सही नहीं बनेगा आंसर हमारा ए रखा जाएगा अगले क्वेश्चन को देखो आप लोग द रिक्टोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा देखो ये एनाफोरा की बात कर रहा है। रिटोरिकल डिवाइस होने का मतलब ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग भाई एनाफोरा बेसिकली क्या बताता है, a, a lines, है ना एक सर्टेन मेट्रिकल अरेंजमेंट को बनाता है यूज ऑफ सर्कम लोकेशन इन फ्रेजोलॉजी जक्स्टापोजिंग द एब्स्ट्रैक्ट विद द कॉन्क्रीट या फिर रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस और क्लॉसेस बहुत अच्छे बच्चों 48 का डी आंसर भी कर दिया है मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर हमारा डी बनेगा क्योंकि तो इसमें होता क्या है रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉसेस तो बच्चों आंसर हमारा यही बन जाएगा ये बात बिल्कुल करेक्ट बनी है हमारी जैसे इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको देते हैं क्या आपने कभी पढ़ा है अ टेल ऑफ टू सिटीज अ टेल ऑफ टू सिटीज बताओ बच्चों इसमें कौन सा एनाफोरा से स्टार्ट होती है ये बार मतलब ओपनिंग जो लाइंस है वो बच्चों एनाफोरा है तो जरा आंसर कीजिए आप लोग हां श्वेता ये भी बिल्कुल सही है आई केम आई सो आई कॉकेड हंड्रेड परसेंट यह भी करेक्ट है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल बैरागी बहुत अच्छे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम ठीक है जी तो ये बच्चों टेल ऑफ टू सिटीज की ओपनिंग लाइन है ठीक है जी करेक्ट बात है इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम एग्जैक्टली अब एक लाइन और बताओ इन लाइन का रेपिटेशन होता है फाइव इर्स पास्ट फाइव इन पास्ट फाइव समर्स गॉन फाइव विंटर्स एक्सेट्रा तो ये किस जगह पे ओपनिंग लाइंस हैं? किस वर्क में किसके द्वारा लिखा गया वर्क है फाइव टेंट क्या बात है श्वेता राजेंद्र बहुत अच्छे सोनिया वेरी गुड रूबी वेरी नाइस बच्चों बिल्कुल ये टिंटन एबे का है क्या बात है तो ये बच्चों टिंटन एबे का बनेगा एग्जैक्टली बहुत अच्छे तो देखो ऐसे धीरे धीरे हाँ वर्ड्स वर्थ का है ऐसे पकड़ बन जाती है आपकी देखो आप कितने क्विक आंसर दे रहे हैं क्लाइमेक्स आई के एम आई सो आई कॉकट नहीं बेटा ये एक ही जैसी चीजें रिपीट हो रही है राधा ये भी आपका एनाफोरा में ही आएगा ठीक है बच्चों ठीक है थर्टीन जुलाई सेवनटीन नाइनटी एट हाँ बिल्कुल ठीक है अगले क्वेश्चन को देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग वोज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन इनमें से कौन सा बच्चों एक ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीजन नहीं था अब देखो आपके लिए यहां पे सबसे बढ़िया होता अगर इलियट बनता इलियट बन जाए या फिर बच्चों फ्रॉस्ट बन जाए या फिर आपके लिए यहाँ पे हैमिंग बन जाए याद आ रही है आपको सब सबकी ये सारे ही अमेरिकन राइटर्स थे या फिर हम कहें आपको आ, और किन किन के नाम थे आ, हमारे विट विट थे बल्कि हम कहेंगे विटमेन और एक हमारे फॉकनर थे आपके लिए ज़्यादा प्रोबेबल ये हैं ये चारों ही अमेरिकन थे जिसमें से ये हमारे फिर ब्रिटिश बन गए थे ब्रिटिश की इनको सिटीजनशिप मिल गई थी लेकिन चारों में देखिए तो तीनों तो ब्रिटिश हैं ये चौथा कैथरीन फ्रेंक शी इज एन अमेरिकन वन ये बच्चों यूएसए की है तो आंसर इसमें फोर्थ जाएगा एग्जैक्टली exactly बच्चों तो क्या आंसर बनेगा हमारा कैथरीन फ्रेंक वॉज एन अमेरिकन राइटर अमंग दीज बाकी तीनों वर्ड्सवर्थ भी शेक्सपियर भी मिल्टन भी ये बच्चों अमेरिकन थे ब्रिटिश थे बाकी आप जानते हैं जॉन मिल्टन लंडन में पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड में तो बताओ वर्ड्सवर्थ कहां पे पैदा हुए थे बताओ बच्चों कुकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट याद आ रहा है सबको स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है ना तो ये भी याद ये तीनों ही जगह कहां पे हैं ओल आर इन ब्रिटेन यानी लंदन में लंदन के आसपास की हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी इनमें से कौन सा एपोस्ट्रॉफी में है मैन इज द मेजर ऑफ ओल थिंग्स पेट्रोटिज्म ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बताइए बच्चों क्या बात है वेरी नाइस वंदना याशविन सोनिया गौरव वैरागी क्या बात है दिव्या सीमा रूबी तो बिल्कुल सही बच्चों यहाँ पे भी पेट्रोटिज्म जो है मतलब देशभक्ति ये देशभक्ति बच्चों यहाँ पे इसको नाम दिया गया और ऐसे भी होगा साइन देशभक्ति वोर आर डन इन योर नेम तुम्हारे नाम पे कितने होरर्स किए गए हैं है ना इन देशभक्ति करा के जो वोर्स होते हैं उसमें सोल्जर्स को भेज दिया जाता है जीवी शो का ये कहना था और कई लोगों का यह कहना था तो ये बच्चों हमारा बी बना हमने किसको आवाज दी पैट्रोटिज्म को जो कि एक कैसा नाउन बनेगा एप्सटेक्ट ये बच्चों एक एपस्टेक्ट नाउन है तो आंसर हमारा बी जाएगा अब इसको देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑनोमोटोपोइमोटोपोएक का मींस है जो साउंड को बताए या साउंड से रिलेटेड है कैरी बियर फियर या फिर बच्चों बग तो बताइए हम इसको कहां पे किससे मिलाएंगे हां जी बिल्कुल सही है बच्चों बग ये जो बग है ये उस अपनी साउंड को भी बताता है बग जो है वो किसको बताएगा हंड्रेड परसेंट साउंड को यानी हम इसको बोलते हैं यहां पर स्क्रूज इस फेमस फॉर से बाहम बग. बग तो बग जो है वो बच्चों एक साउंड से रिलेटेड बनेगा अगले क्वेश्चन को देखो द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है सिंगली है मेटाफर है पैराडॉक्स है या फिर पर्सोनिफिकेशन है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ओके 52 का पैराडॉक्स आपने कहा है ठीक है जी और बताओ सब बच्चे <laughs> ओके okay, बच्चे मेटाफर भी बता रहे हैं ठीक है जी देखो बच्चों प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कहता है मेटाफर इज बट एन अकेजनल एपिसोड उसने हैप्पीनेस को ही क्या कहा है अकेजनल एपिसोड बताया है अब जब हम किसी चीज को किसी का नाम देते हैं सीधा मतलब ये ही वो है कि राम इज शाम या फिर मैं कह दू कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट तो इसका मतलब क्या बना मेटाफर आएगा तो हमने यहां पे हैप्पीनेस को अकेजनल एपिसोड बना दिया है इट इज मेटाफर राइट बच्चों? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है ये तो आसान क्वेश्चन है आप ये बताओ कि ये लाइन आती कहां पे है किसके वर्क में आती है हम कहां पे इसको देखते हैं श्वेता रूबी राधा सोनिया विनय राखी रीना जबा प्यारे बच्चों बताओ ये लाइन हमारी कहां पे आती है मतलब हम इस लाइन को कहा लाइन है बहुत बार पूछी गई है है दैट्स ग्रेट मेयर ऑफ क्या बात मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया है मेयर ऑफ ब्रिज और ये बच्चों कोई और नहीं ये ही बंदा था हेंचार्ड कौन था ये मेयर ऑफ हेंचार्ड जहां तक मुझे याद आ रहा है किसने लिखी थी थॉमस हार्डी ने थॉमस हार्डी है ना बच्चों तो ये हेंचार था थॉमस हार्डी ने लिखा था और ये मेरो ब्रिज था ये लाइन बहुत पूछी जाती है इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं पेराडोक्स एकांश बेटा पैराडोक्स जो है ना पैराडोक्स में क्या होती है कि ऐसी फ्रेजेस आती हैं जिन्हें समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है मतलब इट इट जर्क्स द माइंड अपोजिट होती है एक दूसरे के लेकिन उसे हमें बनाने के लिए वहां पे क्या करना पड़ता है हमें दिमाग का यूज करना पड़ता है जैसे मैं कह दूं आपको लेस इज मोर है ना लेस इज मोर इसका मतलब है लेस ही मोर है यानी कि व्हाट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड इज मोर इजियर अंडरस्टेंड तो हमें यहां पे दिमाग लड़ना पड़ेगा इसे पैराडॉक्स आप कहते हैं पैराडॉक्स चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन बिल्कुल बना देंगे इसको भी। मतलब जब हम कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इसका मतलब चाइल्ड जो होता है वो फादर बन जाता है मैन का क्योंकि वो उसे बहुत कुछ सिखाता है जिसे आदमी भूल चुका होता है इस दुनियादारी में पढ़ने के बाद <laughs> क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों वेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द साउंड इट डिनोट जब हम किसी वर्ड की साउंड को रिजेंबल करते हैं डिनोट करने से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनती है या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट एग्जैक्टली exactly. साउंड आने का सीधा सा मीस जाता है बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के हम उसे ओनोमोटो पोय बनाएंगे ये बनेगा हमारा आंसर तो आंसर वुड बी डी करेक्ट बच्चों बिल्कुल ठीक जा रहे हैं सब बच्चे और अच्छा एक प्रदर्शन कर रहे हैं मैं तो ये कहूंगा आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम ट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली ये भी अच्छा क्वेश्चन है इंप्लाइड सिमली हम किसे कहते हैं मेटाफर को एपोस्ट्रॉफी को hyperbol को को या फिर बच्चों एग्जैक्टली exactly, मधु बहुत अच्छे रूबी राधा बैरागी क्या बात है तो सभी ने जवाब दे रहे हो बहुत तेजी से आपके आंसर्स निकल जा रहे हैं इतनी तेजी से निकलते हैं कि पता चलता है कि सिलेक्शन होंगे ही होंगे इसमें से इंप्लाइड सिमली बच्चो इंप्लाइड का मीन्स क्या होता है हिडन जो मतलब छुपा हुआ हो implied simply. मतलब हम इसमें लाइक like और एज का यूज नहीं करते लेकिन बात वही कहते हैं मैं कह दूं कि कैमल इज लाइक द शिप लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट कैमल जो है वो शिप की तरह से है तो ये लाइक <coughs> लाइक लगाने से बच्चों कैमल ही शिप बन गया है लेकिन आपने इसको हटा दिया कैमल इज द शिप कैमल को शिप बना दिया बिना लाइक के बाद तो वही कही ये आपका मेटाफर बन गया इसका मतलब हिडन सिमली हो गया हम हिडन सिमली किसको कहते हैं मेटाफर को तो। और हिडन हो गया यानी कि वो है वहां पे लेकिन दिख नहीं रहा है इसलिए इसको इंप्लाइड कहते हैं बच्चों वो इसको एक और नाम भी दे सकता है वो कह सकता है कि ये इंट्रिंसिक है इंट्रिंसिक सिमली है वो इसको इनडायरेक्ट सिमली भी कह सकता है इनडायरेक्ट सिमली और वो इसको ऐसे ऐसे वर्ड दे सकता है मतलब जो भी हिडन को शो करें या फिर वो इंप्लाइड कहेगा तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छे अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं वट इज अ डायरेक्ट एड्रेस देखो यहां जैसे डायरेक्ट वर्ड इसने जोड़ दिया है एक डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड टू द एबसेंट और टू अ परसोनिफाइड आइडिया एपिग्राम बनेगा परसोनिफिकेशन बनेगा एपोस्ट्रॉफी या फिर नन ऑफ द एपो हम किसे रखेंगे बच्चों इसमें बहुत अच्छे यही एपोस्ट्रोफी है यही प्यारे बच्चों क्या है एपोस्ट्रोफी जिसको हिंदी में कहते हैं हम संबोधन यानी हम संबोधित करते हैं यहां पे किसको या तो किसी डेड चीज को या फिर किसी चीज को जो एबसेंट है या फिर बच्चों जो नॉन लिविंग हो और तीनों में से कोई भी जवाब नहीं देगा देर वुड बी नो रिप्लाई एट ऑल रिप्लाई ना होना ही इसको क्या बनाता है इसको बच्चों इफेक्टिव बनाता है इंप्रेसिव बनाता है इट गिव्स इट द इफेक्ट ऑफ समथिंग वेरी नाइस बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं आप लोग ये हमारा एपोस्ट्रॉफी बनेगा बाकी इसमें एपिग्रामेटिक की जरूरत नहीं है वट इज द स्पीच वेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट इज एक्सप्रेस बाई द वर्ड्स अब देखो रियल मीनिंग और ये जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया गया इसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं लेटरल मीनिंग लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ क्या कहते हैं शाब्दिक अर्थ जो शब्दों में हो उससे जो रियल मीनिंग है वो बिल्कुल अपोजिट होता है एग्जैक्टली exactly बच्चों हाँ ये ये ऑक्सीमोरन ये, ये नहीं बच्चों ये आयरन ही बनेगा जैसे मैं कहूं आपसे कि बच्चों आपने अपना होमवर्क पूरा किया आप कहो नहीं सर मैं कहूं वेरी गुड ऐसे ही करना तो जब मैं आपको कहूंगा वेरी गुड तो बच्चों इस वेरी गुड का मीन्स वास्तव में वेरी गुड नहीं बल्कि इसके एकदम अपोजिट वेरी गुड का अर्थ क्या है बहुत अच्छे लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग मेरा मीनिंग हुआ उसे कहने का <coughs> यानी <coughs> इसका जो वास्तविक मीनिंग बनेगा वो होगा वेरी बैड <coughs> तो मतलब मैं आप पे ताना मारूंगा इसीलिए इसको कहते हैं व्यंग करना या फिर ताना मारना जबकि ये जो आप देख रहे हैं ना ऑक्सीमोरन इसमें बच्चों दो वर्ड होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स कैसे टू और वे किसी चीज को विरोधाभास बनाते हैं जैसे मैं किसी को कह दूं कि शी इज शी इज बिटरली स्वीट या कोई चीज मतलब बिटरली स्वीट का है कड़वे रूप में मीठी मीठा भी है कड़वा भी ऐसा कैसे हो सकता है तो ये यहां पे ऑक्सीमोरन शो करेगा हा प्लेस और किसी को वो डिफाइन करें फिर वहां पे। ताना मार के किसी की महिमा करना ये भी कह सकते हैं यूपी का बेटा चांदनी अभी समय लगेगा एग्जाम होने में मुझे लगता है कि फेबर मार्च तक जाएगा लव <coughs> पेन हाँ लव इज लव पेन को जब हम कहते हैं ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी ज्यादातर बच्चों ने अलग तरह से आंसर डाल दिया ऐसा हो जाता है ये तो बच्चों बताना है जरूर सभी बच्चे बताएंगे इसमें हमारा क्या बनेगा <laughs> बेटा पेन इज लव में थोड़ा सा डिफरेंस है हाइपरबोली बनेगा एग्जैक्टली बच्चों। इट इज हाइपरबोली ये लाइन बेसिकली कौन बोलता है लेडी मैकबैथ <coughs> लेडी मैकबैथ बच्चों मैकबैथ में कहती है क्योंकि उसने कई सारे मर्डर्स किए हुए हैं बिल्कुल सभी बच्चों ने बता भी दिया है फैंडेस्टिक क्योंकि आप जानते थे इसलिए मैंने पूछा ही नहीं तो लेडी मैकबैथ बच्चों पूछती है क्योंकि उसने कई सारे मर्डर्स किए हैं तो वो ये बोलती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया अरेबिया का अरब परफ्यूम के लिए जाना जाता है परफ्यूम की शुरुआत कहां से होती है अरब से होती है तो बच्चों उसने कहा कि सारा परफ्यूम भी लगा दोगे तो भी ये बदबू नहीं जाएगी हाथों से उसे हाथों पे ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है तो इसीलिए ओल्ड उसने बोला तो ये हाई को शो करता है अतिशोक्ति को दिखाता है ये किसको दिखाता है अतिशोक्ति को राइट <clears throat> बच्चों अगले क्वेश्चन को देखो Identify the figure of speech in the following line. The pen is mightier than the sword. Pen जो है वो sword से mightiest है ताकतवर है क्या बात है बच्चों बहुत अच्छे Exactly ये metonymy है Metonymy <coughs> का means होता है change of word. Change of word. किसी word का change होना जैसे यहां पर देखो ये जो बच्चों पेन है यहां पे, ये पेन नहीं बल्कि किसको दिखा रहा है पोएट को राइटर को और ये जो सॉर्ड है यहाँ पे सॉर्ड नहीं बल्कि कौन है सोल्जर है क्योंकि सोल्जर को कौन शो करती है सॉर्ड पोएट को कौन शो करता है पेन तो उसने कहा कि पोएट जो है वो ज्यादा ताकतवर है किससे सोल्जर सोल्जर दस लोगों को मार देगा बीस को मार देगा लेकिन एक पोएट ऐसा लिख सकता है कि पूरे राज्य में तबाही मचा दे है ना कैटल इज बॉइलिंग डेट ऑफ द थिंग बिल्कुल सही बात है ये भी बच्चों सही है तो इस चेंज ऑफ वर्ड कहलाता है मेटेनीमी जैसे हमेशा हम जो कहते हैं कि उसने आज पूरी बोतल पी रखी है अगर हम कहें कि आज इसने पूरी बोतल पी रखी है वो बो, बोलत नहीं बोतल बोतल जिसने पूरी बोतल पी रखी है तो हमें पता है इसका मतलब बोतल किसकी है बच्चों शराब की ये तो नहीं कहेंगे आज इसने पानी की बोतल पी रखी है इसलिए से नशा हो गया नहीं बोतल का मतलब बच्चों दारू से होता है शराब से होता है <coughs> मेटनिमी कहलाएगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा मेटनिमी एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि <coughs> सब कुछ ठीक चल रहा है इट्स ऑल राइट थोड़ी बीमारी भी हो जाती है ना मतलब कि आपको बुखार आ गया या प्रॉब्लम होगी तो मतलब वर्ड्स गड़बड़ होने लगते हैं बोलत निकल रहा है बोतल की जगह पे तो इट ऑल्सो हैपन्स क्लास कौन सी जो आपकी क्लास केवीएस वाली है वो चलेगी अभी <coughs> हाटल exactly. अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं अब बेलेड इज बैलेड क्या होती है ये बताओ आप लोग अगला क्वेश्चन है बच्चों बेलेड हमारी ललिता लिटरेचर की तो है बेटा कहे के लिए यूपी केवीएस वाली चल रही है लिटरेचर की एक बजे क्लास होती है आपकी शॉर्ट पोएम <coughs> <coughs> बहुत अच्छे बच्चों ये शॉर्ट पोएम है अ अटेल एग्जैक्टली ये बनेगी हमारी केवीएस का एग्जाम कब तक केवीएस का बेटा जल्द ही डेट आएगी वेरी सोन इट वुड बी देयर जी बिल्कुल सही है जी बच्चों बिल्कुल ठीक है देखो ये आंसर बनेगा अ शॉर्ट पोएम नेरेटिंग अ टेल क्योंकि बैलेड में टेल बहुत जरूरी होती है अब पोएम रिटर्न ऑन समथिंग ये बच्चों हमारी क्या कहलाएगी एलिजी इसको हम एलिजी कहते हैं अब प्रेयर सॉन्ग बताओ प्रेयर सॉन्ग क्या कहलाती है प्रेयर सॉन्ग हम किसे कहते हैं मैरिज सॉन्ग जो होता है इसको बच्चों एपिथिलेमियन कहते हैं एपिथिलेमियन तो प्रेयर सॉन्ग हमारी क्या बनेगी जिसमें हम प्रे करते हैं है ना हेम जिसे हम हेम कहते हैं अच्छा ये बताओ ये कोर वर्ड है यहां पे ये तो हमारा प्रेयर सॉन्ग बन गया सॉन्ग बताओ ये बताओ अब प्रेज सॉन्ग क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों हां है मैं बहुत अच्छे प्रेज सॉन्ग बताओ अच्छा किसे कहेंगे हम याद दिलाओ कि प्रेज सॉन्ग हमारा क्या बनेगा बेटा ललिता आप ध्यान से उसमें देखो टीजीटी जी पीजीटी की का एक ही बैच है आप उसे ज्वाइन करें आपने इसे ध्यान से पढ़ाई नहीं है यूलोजी नहीं 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 बिल्कुल आप इसके लिए यूलोजी हाँ यूलोजी वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly। लेकिन यूलोजी जो है ये प्रेज होती है बच्चों अक्सर ट्रिब्यूट के तौर पे बैराग exactly. ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं है ना हिंदी में इसको कहते हैं स्तुति तो ये चीजें भी आपको खूब आती है द प्रेज सॉन्ग ऑफ समबडी जैसे मैं कह दूं आपको किसी की प्रेज के लिए जब भी हम बनाते हैं यूलोजी अक्सर आफ्टर डेथ हो जाती है ट्रिब्यूट करने के लिए किसी को अ लिरिक इज बच्चो लिरिक क्या होती है ये आपको बताना है अ लॉन्ग पोएम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस पोएम रिटर्न प्रेज ऑफ गॉड शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसिज हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स या फिर ट्राइम फल सॉन्ग सी आंसर दिया है एग्जैक्टली exactly, बच्चों जो होती है ये सभी ने आंसर बहुत अच्छा किया है ये शॉर्ट पोएम है इन विच द पोएट पोएट अपने दिल की बातें जो इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स होती हैं उनको निकाल के बाहर रख देता है यही आपकी लिरिक होती है है क्या बात है? बहुत अच्छे तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं और एक और बढ़िया बात है कि मुझे जब भी समय मिलता है चाहे इवनिंग हो दोपहर हो कभी भी मैं लगा देता हूं सारे बच्चे फट से पहुंच भी जाते हैं तो बच्चों फ्रूटफुल तो ये चीजें होंगी जरूर आप भी समय दे रहे हैं मैं भी आपके साथ हूं तो चीजें बढ़िया बनेंगी और मैंने कल क्लास नहीं ली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल लेकिन अब मैं क्लास लेके अच्छा फील कर रहा हूं चाहे जैसी भी कंडीशन है बट नाउ आई एम फीलिंग वेल तो आज बच्चों इतने क्वेश्चंस करते हैं कल फिर अपने सेशन को करेंगे है ना और बाकी सभी बच्चों की जो केवीएस वाली क्लास है वो भी आज होगी यानी कि एक बजे हम आपकी क्लास लेंगे बेटा ललिता वही बैच है आप उसे बिना चिंता के ज्वाइन कर लें ललिता आप उस बैच को वो टीजीटी का भी है पीजीटी का भी है सब कुछ है उसमें आप उसे ज्वाइन करो आपने उसको ध्यान से नहीं देखा है एवरीथिंग इज देयर अच्छा नोटी कंचन बेटा आप उसको आप एक बार ज्वाइन कर लो उसको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे थैंक यू बच्चो थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम कल मिलते हैं जल्दी ही ठीक हो जाते हैं फिर से मिलेंगे 28 को पेपर है हाँ राखी आई एम वर्किंग ऑन दैट बेटा आज कल में ही उस क्लास को भी हम जरूर लेंगे थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम विनय बेटा आप क्या पूछ रहे हैं विनय दोबारा से पूछिए आपने कुछ पूछा है फीस एक बार फिर से बेटा फीस उसमें दी गई है आई थिंक नहीं नहीं विनय दोबारा तो रेड्यूस नहीं होगी बेटा फीस तो उसमें एक बार जो हो जाती है वो हो जाती है हाँ जी बिल्कुल व्हाट्सएप ठीक हो गया है सोनिया व्हाट्सएप वर्क कर रहा है अब बिल्कुल कर रहा है। अच्छा मुझे देखना पड़ेगा पता नहीं वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं आई वुड चेक दैट डबल एट डबल ज़ीरो वाला वर्क कर रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं बेटा आप इस पर भेज देना बट बड़ी बात यह याद रखनी है ओनली मैसेज होने चाहिए सिर्फ मैसेज करें सब बच्चे क्योंकि कॉलिंग के लिए दिक्कत रहती है मैं क्लास में रहता हूं थैंक यू सो मच आज के लिए मिलते हैं कल पीजीटी का बैच लिया है राखी बेटा वहां पे कंबाइंड वाले जो सब ले सकते हैं आप उसके बारे में दिया गया है दोनों ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है